नमस्कार, न्यूज लाइव राजस्थान पर मैं प्रेरणा जोशी आपके साथ। और इस वक्त की खबर आप देख रहे हैं, पीपा फैक्ट्री की मालकिन की हत्या के मामले को जुड़े को लेकर। ब्यावर अस्पताल में भर्ती मिला मुख्य आरोपी, पुलिस ने अब SMS रेफर करवाया। झोटवाड़ा इलाके में 13 दिन पहले झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पीपा फैक्ट्री की मालकिन की हत्या का आरोपी 3 दिन पहले घायल अवस्था में ब्यावर अस्पताल पहुंचा था। आरोपी की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने रविवार को इलाज के लिए SMS हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। आरोपी का पुलिस निगरानी में इलाज किया जा रहा है। थाना अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि आरोपी नागौर के पीलवा स्थित भवानी गांव निवासी चैन सिंह के पैर की हड्डी टूट गई, इसलिए ऑपरेशन होगा। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ की जाएगी। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले आरोपी घायल अवस्था में मिला था। आरोपी ने खुद का एक्सीडेंट होना बताया था, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। इधर झोटवाड़ा पुलिस को आरोपी के हॉस्पिटल में भर्ती होने की भनक लगते ही टीम भेज दी और वहां पर निगरानी बढ़ा दी। गौरतलब है कि आरोपी चैन सिंह ने भतीजे बलवीर सिंह के सहयोग से 30 जून को झोटवाड़ा इलाके में शालीमार चौराहे के पास फैक्ट्री में रहने वाले मालकिन निर्मला की हत्या करके फरार हो गया था। पुलिस ने मामले की जांच करके बलबीर को गिरफ्तार कर लिया था। चैन सिंह तब से फरार चल रहा था। ब्यावर पुलिस के अनुसार आरोपी चैन सिंह जालिया रोड पुलिस के नीचे शनिवार सुबह घायल अवस्था में मिला था, जिसे एम्बुलेंस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। आरोपी ने अस्पताल में बताया कि उसके साथ किसी ने मारपीट की, कभी बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया। आरोपी ने अपनी पहचान ही नहीं बताई। झोटवाड़ा पुलिस ने उसकी फोटो भेजकर पहचान करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।